नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला। हमले में सेना के 17 जवान शहीद, जबकि 20 से ज्यादा जवान हुए घायल। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। हमले में कुल शहीद 17 जवानों में से 14 जवानों की मौत अस्थायी शिविर में आग लगने की वजह से हुई। डीजीएमओ रणवीर सिंह ने कहा, भारतीय सेना दुश्मनों की हर साजिश का सामना करने के लिए सक्षम। पीओके के रास्ते एलओसी पार करते वक्त दाखिल हुए थे आतंकी। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया हमला। मारे गए सभी आतंकियों के पाकिस्तान से होने की पुष्टि। प्रधानमंत्री मोदी ने की उरी आतंकी हमले की कड़ी निंदा। हमले की साजिश रचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। हमले में शहीद जवानों की शहादत को किया सलाम। पीएम ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ उरी हमले को लेकर विस्तार से चर्चा की। हालात का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष पहुंचे उरी। घायल जवानों से मुलाकात। उरी आतंकी हमले की खबर मिलने के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किया रूस और अमेरिका का दौरा रद्द। घर पर की हाई लेवल मीटिंग। आईबी रॉ चीफ और एनएसए हुए शामिल। राजनाथ सिंह ने आतंकी गुटों की मदद के लिए पाकिस्तान की फिर निंदा की। पीएम को बताया कि आतंकियों को दी गई थी विशेष ट्रेनिंग। भारी मात्रा में हथियार और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस थे आतंकी। उरी में आतंकी हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने जारी किया एक और अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक पीओके में आतंकियों का एक और ग्रुप घुसपैठ की फिराक में है। पंजाब से सटी पाकिस्तान की सीमा पर भी गश्त बढ़ाई गई। आतंकी हमले के सभी राजनीतिक दलों ने एक ही सुर में निंदा की। हमले के लिए पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। केंद्र से सख्त कदम उठाने को कहा। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 महीने में दूसरी बार सेना पर हुए आतंकी हमले को बेहद चिंताजनक बताया। जितेंद्र सिंह ने कहा, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी उरी हमले की निंदा की। कहा, जम्मू कश्मीर में युद्ध जैसे हालात पैदा करने के लिए हमला हुआ है। झांसी में अपनी रैली के दौरान राहुल गांधी ने रखा उरी के शहीद जवानों के लिए मौन। वहीं राज बब्बर ने पीएम पर साधा निशाना। कहा, सरकार ने 56 इंच का सीना दिखाकर जवानों को शहीद करने की फैक्ट्री खुलवाई। उरी आतंकी हमले पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का पीएम मोदी और केंद्र पर बड़ा हमला। लालू ने कहा, मोदी रोज पाकिस्तान को जवाब देने की बात करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। रक्षा विशेषज्ञों ने आतंकी हमले को पाकिस्तान की ओर से लॉन्च प्रॉक्सी वॉर दिया करार। केंद्र को आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी। उरी के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। देश के कई शहरों में लखनऊ में मुस्लिमों ने नमाज पढ़कर जवानों की शहादत को सलाम किया। आतंकी हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन। यूपी के संभल में लोगों ने फूंका पाकिस्तान का पुतला। जम्मू में डोगरा फ्रंट तो पंजाब में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अमेरिका ने भी की उरी आतंकी हमले की निंदा। अमेरिका के भारत के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा, शहीद सैनिकों के परिवार के साथ उनकी संवेदना। उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव ने लिया चार्ज। पहले कैबिनेट में 9 विभागों के थे मंत्री, अब 13 विभागों की संभाली जिम्मेदारी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव पार्टी की मजबूती पर दिया जोर। पार्टी कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। प्रदेश अध्यक्ष का चार्ज संभालते ही शिवपाल यादव ने की रामगोपाल यादव के भांजे और एमएलसी अरविंद यादव की पार्टी से छुट्टी। अरविंद पर अवैध रूप से जमीन कब्जाने का आरोप है। सीएम अखिलेश यादव की 3 अक्टूबर से प्रस्तावित रेल यात्रा स्थगित। 4 अक्टूबर को करेंगे कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास। यूपी के राजनीतिक घमासान पर अमर सिंह का मौन व्रत। उदयपुर से शादी अटेंड कर लौटे समाजवादी नेता अमर सिंह ने पार्टी के अंदर चल रहे अंतर कलह के सवाल पर जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में अगले महीने से 100 दिनों की बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। 52,000 पंचायत को कवर करेगी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे शामिल। बुंदेलखंड के किसानों को लुभाने पहुंचे राहुल गांधी। यूपी के जालौन में की रैली। झांसी की सभा में बोले, कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 दिन में किसानों का कर्ज होगा माफ। यूपी में राहुल गांधी का अखिलेश सरकार पर हमला। कहा, 4 साल तक नहीं चल पाई साइकिल, अब तो कुछ दिन बचे हैं। यूपी के संभल से संभावित कांग्रेस प्रत्याशी विमलेश कुमारी ने अश्लील व्हाट्सएप की दर्ज करवाई शिकायत। अश्लील ग्रुप बनाकर विमलेश को बनाया एडमिन। एएसपी ने दिए जांच के आदेश। नोएडा पहुंची यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर की चुनावी यात्रा। सेक्टर 15 से शुरू हुई राज बब्बर की 27 साल बाद यूपी बिहार यात्रा ग्रेटर नोएडा में खत्म। यूपी के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक दिवसीय दौरा। हालियापुर में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जमकर कोसा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खाट अभियान पर किया कटाक्ष। कहा, हमारे यहाँ 10वीं पर दी जाती है खाट।
यूपी के रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। साक्षी महाराज ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा निशान। यूपी के शामली के करैना में 20 सितंबर को एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा। पार्टी के जिला अध्यक्ष मुनव्वर हसन ने दी कार्यक्रम की जानकारी। यूपी के बुलंदशहर में सुर्खियों में है दबंग महिला अधिकारी रितुन पुनिया। शहर में अतिक्रमण पर पुलिस वालों की लगाई क्लास। यूपी के मथुरा में पहलवान की गुंडागर्दी। सर्विस सेंटर ने मोबाइल फोन ठीक करने से के लिए मांगा पैसा। पहलवान को आया गुस्सा। सर्विस सेंटर के कर्मचारियों की कर दी पिटाई। इलाहाबाद में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की आज हुई थी हत्या की गुत्थी सुलझी। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। लूटे गए गहने और नकदी भी मिले। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गर्लफ्रेंड की फरमाइश पर बड़ी वारदात। दो लोगों ने 7 साल के बच्चे का किया अपहरण। मांगी 50 लाख की फिरौती। बच्चे का किया कत्ल। पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी। आगरा में शमशाबाद में नवाजा खेड़ा गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव। पुलिस गिरफ्त में एक शख्स की मौत के बाद हंगामा हुआ। यूपी के शामली में छेड़छाड़ से तंग आकर लड़की ने की खुदकुशी। पुलिस ने लड़की का पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार कराया। लड़की के घर वालों का आरोप। हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पुलिस। यूपी के मेरठ में 2 छात्रों की ट्रेन से कटकर मौत। परिवार वालों ने कहा आत्महत्या नहीं प्लानिंग के तहत हुई हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का अंदेशा। यूपी के मऊ में चलती ट्रेन में महिला से गैंगरेप। दोनों आरोपियों ने महिला को ट्रेन से फेंका। महिला का पैर कटा। फिलहाल महिला की हालत गंभीर। आरोपियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। यूपी के कन्नौज अनिल नाम के लड़के को उसकी ही गाड़ी में मिला शव। दूध डेयरी में पिकअप गाड़ी चलाता था अनिल। परिवार वालों ने जताया हत्या का शक। इलाहाबाद में संगम तट पर श्रद्धा श्राद्ध में पहली बार शामिल हुई महिलाएं। अब तक श्राद्ध में महिलाओं के शामिल होने पर रोक थी। श्राद्ध में महिलाओं के शामिल होने का स्थानीय पंडों ने सामाजिक बदलाव बताया। विवादों में आपका एक और विधायक। पार्टी के ही मुस्लिम नेता शकील अहमद ने विधायक सरिता सिंह पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। लोगों को नौकरी देने का झूठा झांसा दे दी सरिता सिंह। कावेरी जल संकट को लेकर हुई हिंसा पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बड़ा बयान। हिंसा को कुछ सियासी दलों की साजिश बताया। जल्द जांच के बाद खुलासे की उम्मीद भी जताई। मुंबई में एनसीपी नेता छगन भुजबल भी हुए डेंगू के डंक के शिकार। जेजे अस्पताल में किए गए भर्ती। डेंगू के लक्षण पॉजिटिव पाए गए। मुंबई में नामी एक्टिंग इंस्टीट्यूट के छात्रा का अपने ही टीचर पर छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस इंस्टीट्यूट से किया है एक्टिंग कोर्स। मुंबई के पास मसई में मुस्लिम परिवार को फ्लैट बेचने से इनकार करने के आरोप में एक सोसाइटी के खिलाफ FIR। पीड़ित परिवार ने शिकायत की थी। मेवात में 2 लड़कियों से गैंगरेप पर हरियाणा के CM मनोहर लाल का विवादित बयान। गैंगरेप को बताया महज एक छोटी घटना। हरियाणा के पानीपत में हथियारों से लैस 5 संदिग्ध गिरफ्तार। स्पेशल तलाशी अभियान के दौरान गिरफ्तारी हुई। पुलिस को शक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे 5। विवादों में घिरे पंजाब के मशहूर सिंगर गैरी संधु। गाने में वाल्मीकि समाज के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप। गैरी संधु के पर होशियारपुर में केस दर्ज। पंजाब निर्वाचन आयोग ने तेज की पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां। पहली बार EVM में चुनाव चिन्ह के साथ होगी उम्मीदवारों की फोटो। 2017 की शुरुआत में हो सकते हैं चुनाव। बिहार के कटिहार में नाबालिग से रेप मामले पर सड़क पर फूटा लोगों का गुस्सा। गुस्से में पुलिस से भिड़े लोग। लगाया जाम। आरोपी को फांसी दिए जाने की रख रहे हैं मांग। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ निकाली गई बाइक रैली। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बिलासपुर में एक मंदिर में CCTV में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। चोरों ने मंदिर से चुराया 4 किलो का चांदी का छत्र। कई और आभूषणों पर किया हाथ साफ। कश्मीर के लेह में 7 दिन के ऐतिहासिक नरोपा उत्सव की धूम। उत्सव में शामिल होने से दूर दूर पहुंचे बौद्ध भिक्षु। 12 साल में एक बार मनाया जाता है उत्सव। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 2 माओवादी गिरफ्तार। पकड़े गए माओवादियों में एक महिला भी शामिल। आजादी के 70 साल बाद भी नैनीताल के रोखड़ इलाके में नहीं है सड़क की सुविधा। मरीजों को डोली में अस्पताल पहुंचाया जाता है। MP के उमरिया में हुए विंध्य महोत्सव में दिखी अनोखी तस्वीर। लोक कलाकारों के साथ जमकर थिरके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश के टीकमगढ़ में धार्मिक कार्यक्रम अश्लीलता। जल विहार महोत्सव में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। पुलिस और प्रशासन भी अश्लीलता में शामिल। पति से झगड़े के बाद महिला ने 2 बेटियों को दिया जहर फिर खुद भी पी ली कीटनाशक दवा। 3 अस्पताल में भर्ती। MP के टीकमगढ़ में छात्रों के साथ भिखारियों जैसा सलूक। भीख की जगह बांटा जा रहा है मिड डे मील। राजस्थान के चूरू के अस्पताल में परिवार वालों का हंगामा। परिवार वालों का आरोप बिना जांच बच्चे को लगाया इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाते ही बच्चे ने तोड़ा दम। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्वरूप नगर में 6 साल की बच्ची की गैंगरेप के आरोपी नाबालिग। आरोपियों की उम्र 14 और 16 साल।
हरियाणा के सोनीपत में नाबालिग से रेप और हत्या का आरोपी विजय कुमार गिरफ्तार हो गया। आरोपी विजय ने 15 सितंबर को वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भ्रूण के लिंग परीक्षण के आरोप में डॉक्टर समेत 3 लोग गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग और सीआईडी ने कार्रवाई की। जयपुर के बस्ती इलाके में रेप के आरोप में झोलाछाप डॉक्टर गिरफ्तार। दलित महिला ने लगाया इलाज के नाम पर रेप का आरोप। राजस्थान के झुंझुनू में छात्रा ने गांव के लड़के पर लगाया रेप का आरोप। आरोपी श्रवण जाट पर अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देने का आरोप। राजस्थान के पाली में एक अधेड़ पर 3 साल की बच्ची के अपहरण का आरोप। पुलिस के मुताबिक तंत्र मंत्र के लिए किया गया था बच्ची का किडनैप। वारदात के कुछ घंटों में ही पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी। झारखंड के लोहरदगा में झोला छाप डॉक्टरों की नक्सलियों ने पीट पीट कर हत्या की। पुलिस ने कहा जांच के बाद नक्सलियों पर कार्रवाई। बिहार के वैशाली में कुख्यात हथियार तस्कर गिरफ्तार। पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त छापेमारी में गिरफ्तारी हुई। तस्कर से 3 पिस्टल और 6 मैगजीन बरामद। बिहार के नालंदा में जमीनी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। शिवशंकर यादव और रोहन यादव के बीच 1 बीघा जमीन को लेकर विवाद था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पकड़ा गया विशालकाय अजगर। बकरी निगलकर सूखे नाले में पड़ा हुआ था। लोगों ने सूचना दी, उस पर वन विभाग ने पकड़ा अजगर। हरियाणा के सोनीपत में टांडा गांव का सरकारी स्कूल खुद पैदा करता है बिजली। गांव के 70 स्ट्रीट लाइट्स के लिए और ऊर्जा बिजली बनाकर करता है सप्लाई। एमपी के कवर्धा में स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े स्कूली बच्चे। 1.5 लाख बच्चों ने बनाकर लोगों में बांटे डस्टबिन। स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ने के लिए भरवाया संकल्प पत्र भी। आपके अत्याचारों के खिलाफ बलूचिस्तान छात्र संगठन ने किया जर्मनी में प्रदर्शन। मेहरान मारी ने कहा जब से पीएम मोदी ने उठाया है मुद्दा डरा हुआ है पाकिस्तान। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बम धमाका, 29 लोग हुए घायल। भीड़भाड़ वाले इलाके मैनहट्टन में हुआ ये ब्लास्ट। अमेरिका के मैनहट्टन में हुए धमाके का एक वीडियो सामने आया। धमाके वाली जगह पर एक कार भी दिखाई दी। ब्लास्ट के बाद तुरंत घायलों की मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंची। मैबिल डे ब्लासियो के मुताबिक जानबूझकर किया गया धमाका। शुरुआती जांच में ब्लास्ट के पीछे आतंकियों का हाथ होने से किया इनकार। अमेरिका में सबसे लंबी बिजली चमकने का बना रिकॉर्ड। 2007 में ओक्लाहोमा में 199.5 मील लंबी बिजली चमकी थी। अमेरिका के मिनेसोटा के एक मॉल में एक शख्स ने चाकू से किया हमला। हमले में कम से कम 8 लोग घायल। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध हमलावर को मार गिराया। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के मुताबिक खाड़ी देश और अमेरिकी यमन में शांति वार्ता दोबारा शुरू करने पर राजी। वार्ता का मकसद सरकार गठित करना। वेनेजुएला में गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर बैठक में किम योंग ने दी चेतावनी। कहा उत्तर कोरिया अब दुश्मन पर जवाबी हमला करने के लिए तैयार। चीन के ग्यूंगजू में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के लिए तैयार लचीला ऑप्टिकल केबल। सिग्नल भेजने और प्राप्त करने में इसकी अहम भूमिका। नेपाल में जल्द ही बाबा रामदेव करेंगे पतंजलि फूड पार्क और आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना। हरिद्वार में नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने पतंजलि फूड पार्क और योगपीठ का किया दौरा। उरी हमले पर भड़के बॉक्सर विजेंद्र सिंह। सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो हो जाने दो युद्ध। 2018 से अगले 10 साल के आईपीएल ब्रॉडकास्ट को लेकर बीसीसीआई निकालेगा टेंडर। टेंडर में जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों का रखा गया है ख्याल। बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का बयान। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड टीम को झटका। देखने टकने में चोट की वजह से तेज गेंदबाज टिम साउदी सीरीज से बाहर। सिर्फ 2 या 3 सीरीज के बाद किसी खिलाड़ी की महान क्रिकेटर्स से होने वाली तुलना को सही नहीं मानते हैं कपिल देव। कपिल के मुताबिक ऑलराउंडर्स की तुलना 50 टेस्ट के बाद करें तो बेहतर होगा। हैदराबाद में प्लेयर गोपी चंद की बैडमिंटन अकेडमी में पहुंचे खेल मंत्री विजय गोयल। इसी अकेडमी में ट्रेनिंग के बाद पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक्स में सिल्वर जीता था। यूपी के शाजापुर में दिखी पैराथलीट चैंपियन कौशलेंद्र सिंह की मुफलिसी की तस्वीरें। सिर्फ 300 रुपए की मासिक पेंशन से करते हैं गुजर बसर। सीएम अखिलेश से लगाई मदद की गुहार। दौर में स्वच्छ भारत और गो ग्रीन संदेश के साथ मैराथन रेस का आयोजन। पूर्व हॉकी कप्तान धनराज पिल्ले और बॉलीवुड एक्ट्रेस जोया अफरोज के साथ सैकड़ों लोग सड़क पर। सलमान खान के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आ सकते हैं क्रिकेटर विराट कोहली। बेल्जियन डीजे प्लेयर्स दमित्री वेगास से बातचीत में। मनाली में शूटिंग कर रहे सलमान खान को मिला सरप्राइज। सेट पर नन्हे भांजे आहिल को लेकर पहुंचे आयुष। गले में जूते लटकाए सलमान खिलखिलाते हुए दिखे। सोनाक्षी सिन्हा ने दी देश की लड़कियों को सलाह अपने कपड़े वजन और खाने पीने पर किसी को भी बोलने का मौका न दे। सुसाइड बॉम्बर्स पर बन रही अपनी फिल्म चोरबाज में आर्मी ऑफिसर्स बनेंगे संजय दत्त। गिरीश मलिक करेंगे फिल्म का निर्देशन।